और अब बात कर लेते हैं सीएचए की। जयपुर से खबर है, कोविड स्वास्थ्य सहायकों के आंदोलन से जुड़ी बड़ी खबर है। 11 बजे फिर से वार्ता का निमंत्रण मिला है सीएचए को। सचिवालय में सरकार के उच्च अधिकारी से वार्ता होगी और कल हुई वार्ता में किसी तरह की सहमति नहीं बनी थी। तो एक बार फिर से वार्ता का निमंत्रण मिला है सीएचए के आंदोलन से जुड़ी बड़ी खबर है। 11 बजे का वक्त, यानी करीब आधे घंटे बाद वार्ता शुरू होगी और कल भी वार्ता हुई थी, किसी तरह की कोई सहमति नहीं बनी थी। आशुतोष मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। आशुतोष, एक बार फिर से निमंत्रण मिला है 11 बजे का वार्ता के लिए, क्या कुछ जानकारी है? मनी, देखिए बिल्कुल 42 दिन से ज्यादा का समय हो चुका है जयपुर के शहीद स्मारक पर कोविड स्वास्थ्य सहायकों के धरने को। लगातार बड़ी संख्या में यहाँ पे जमा होकर अलग अलग तरीके से सरकार तक अपनी मांगों को सामने रखने की कोशिश की है। जो तमाम दूसरे संगठन थे उनको अपने साथ में लाया गया महापंचायत के लिए। महापंचायत में ये फैसला लिया गया था कि उदयपुर में जो चल रहा है सरकार का चिंतन शिविर, उसका विरोध करेंगे। उसके बाद लगातार ऐसा देखा जा रहा है कि सरकार से पहले तो एक पुलिस के जो अधिकारी थे उन्होंने कहा कि वार्ता कराएंगे, तो कल सचिवालय एक प्रतिनिधि मंडल पहुंचा सीएचए का, वार्ता हुई भी, लेकिन किसी तरह का कोई समझौते जैसी स्थिति या कोई जो बिंदु इनकी तरफ से रखे गए थे उनको मानने की और सहमति बनती हुई दिखाई नहीं दी थी। आज एक बार फिर से 11 बजे का न्योता मिला है। इसके अंदर जो स्वास्थ्य विभाग के उच्च अधिकारी हैं वो शामिल रहने वाले हैं और बहुत हद तक संभव है कि सरकार के जो उच्च अधिकारी हैं जो सरकार को पूरी रिपोर्टिंग करते हैं और उनसे जुड़े अधिकारी भी इस पूरी समझौता बैठक जो होने वाली है उसमें मौजूद रह सकते हैं। अब आज के सहमति बनती है नहीं बनती, क्योंकि सीएचए अपनी तरफ से बहुत स्पष्ट है कि उनको कैडर में शामिल किया जाए, इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं देखना चाहते हैं। तो आज वार्ता में किसी तरह की कोई सहमति बनती है नहीं बनती है ये 11 बजे बाद जब बैठक शुरू होगी उसके बाद स्पष्ट हो पाएगा। लेकिन अभी इस बैठक से एक बार फिर से तमाम जो सीएचए हैं उनको एक बार उम्मीद है कि सरकार उनकी बात को सुन सकती है। बिल्कुल सही कहा आपने आशुतोष, और 11 बजे का वक्त है जब वार्ता शुरू होगी, वार्ता का निमंत्रण मिला है। हालांकि कल भी वार्ता हुई थी तो कोई सहमति कुछ नहीं बनी है। सुशांत, आशुतोष आप नजर बनाए रखेगा, तमाम जानकारी के लिए फिलहाल बहुत शुक्रिया।